जय भवानी सेना का निर्माण सुश्री मेघा पवार द्वारा किया गया, जिसमें बालिकाओं व महिलाओं को स्वयं की रक्षा कैसे करनी है उसमें मेघा पवार दे रही हैं योगदान। पूर्व बाल कल्याण समिति सदस्य हरी वृंदा फाउंडेशन के अध्यक्ष, समाज सेविका, राष्ट्र सेविका समिति की सेविका ने अपने फाउंडेशन के तहत जय भवानी सेना का निर्माण किया। वहीं सुश्री मेघा पवार का मुख्य उद्देश्य है कि इसके माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं पर अचानक होने वाले शारीरिक शोषण व दुर्व्यवहार होने पर स्वयं की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। यहां 3 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण रखा गया, जिसमें कराटे प्रशिक्षण में प्रीमियम कॉलेज में आई बालिकाएं सागर, दमोह, बैतूल, बालाघाट से थी। उन्होंने कराटे प्रशिक्षण के प्रति सिखाए गए गुण के दौरान बालिका में खासा उत्साह भी देखा गया। वहीं मेघा पवार द्वारा 2 दुष्कर्म से पीड़ित बच्चियों को न्याय दिलवाने में मदद की गई व भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के एक सरगना गिरोह का पर्दाफाश किया गया। सुश्री मेघा पवार ने कोरोना योद्धा के रूप में संस्कारधानी जबलपुर में अपनी अलग पहचान बनाई। मेघा पवार द्वारा आज जबलपुर संस्कारधानी को एक नया आयाम दिया गया। उनकी इस पहल से उनके सभी साथी, सहयोगी व सामाजिक लोगों ने उनकी इस कार्य की सराहना की व बधाई दी और सभी ने अपनी बच्चियों को भी इस मुहिम से जोड़ने की बात उनसे कही। बता दें, प्रशिक्षण का शुभारंभ में जय भवानी सेना के अतिथि प्रीमियम कॉलेज के संचालक प्रभात दुबे खमरिया, थाना प्रभारी ने निरूपा पांडे, DDU KG वाई के नितिन सर और तस्लीम मैडम उपस्थित रही। वहीं सभी ने बालिकाओं को शिक्षा के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली होना और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की बातें कही। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज मावा से प्रेरित मेघा पवार का कहना है कि वर्तमान में चल रहे अभियान गुड्डी से प्रेरित होकर सुश्री मेघा ने गुड्डी बनने व बनाने की एक मुहिम जय भवानी सेना के माध्यम से शुरू की है। वह सीएम मामा जी की जो भी योजनाएं व अभियान बालिकाओं तथा महिलाओं के लिए चलाती हैं वह हमेशा प्रेरणादायी होती हैं। मेघा पवार का कहना है कि अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेता है तो इन्हीं की गोद में पलता है। जय भवानी सेना के माध्यम से वह जगह जगह आत्म सुरक्षा व स्वयं की सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा कैसे करनी है इसको लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन निरंतर करेंगी और यह अभियान निरंतर चलता रहेगा, जिसमें तलवार, लठ, कराटे व आदि पारंपरिक व आधुनिक कलाओं से पैतरे सिखाए जाएंगे। हरी वृंदा फाउंडेशन के द्वारा जय भवानी सेना के 3 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण में कराटे ट्रेनर लता जॉन, ओम, साक्षी प्रथम, कीर्ति, भूमिका आदि ने ट्रेनिंग दी। कार्यक्रम में हरी वीणा फाउंडेशन के सदस्य विनीता ठाकुर, कशिश वानखेड़े, पूर्णिमा, रोहित तिवारी, रश्मि राव, राहुल सानू वर्मा, डॉक्टर विकास विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। कि सुश्री मेघा पवार समाज सेविका द्वारा आपके लिए 3 दिवसीय ये कार्यशाला एक शिविर आयोजित की गई है, जिसमें हरिवंदा फाउंडेशन ने एक संरचना, एक परिकल्पना, नए राष्ट्र, नए भारत के लिए नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए परिक्रमा करते हुए जय भवानी सेना का निर्माण किया है। उसके तत्वाधान में समाज सेविका मेघा पवार जी निरंतर सतत हमेशा प्रयास करती हैं कि नारी शक्ति में जागरूकता कैसे फैले, नारी शक्ति कैसे आगे बढ़े। और सबसे पहले शुरुआत होती है बच्चियों से, कि बच्चियां शुरू से ही आत्मनिर्भर बने, शुरू से ही ये चीजें देखें कि हमारे आसपास जो दूषित घटनाक्रम हो रहा है, जो गलत गलत चीजें हो रही उन पे हम नहीं बोले, उनके लिए हमेशा ये रखें कि हम उनका सामना करना है, संघर्ष करना है। तो ये बहुत अच्छा क्षण है कि सुश्री मेघा पवार जी ने एक बीड़ा उठाया है कि नारी शक्ति को, बच्चियों को, बेटियों को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आत्मनिर्भर बनाना है और कैसे उनको अपने जीवन को लक्ष्य निर्धारित करके समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करना है। उसी के तत्वाधान में ये आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आपके समक्ष कुछ अपना बातें व्यक्त करूं और आपसे भी कुछ सीखूं और आपको ये कुछ बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर नारी शक्ति हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं समाज में, कुछ 10-12% लोग होते हैं जो समाज को दूषित करते हैं, वही 10-12% लोगों को हमको समझाना है, हमको उनके लिए कार्य करना है कि एक घटनाक्रम, ये 2 दुष्कर्म होते हैं जो महिलाओं के लिए अपराध करना चाहते हैं, अपराध करते हैं, उनको रोकना है। तो सबसे पहले जो ये कार्यशाला का उद्देश्य है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि मेघा पवार जी का जो आत्म चिंतन है और ये संकल्प है कि हम बच्चियों को कैसे बढ़ाएं, तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को क्या सीखना है, कहीं भी कुछ घटनाक्रम होते हैं, कहीं भी आपको लगता है कि अन्याय हो रहा, अन्याय के खिलाफ सबसे पहले क्या बोलना है, आवाज उठानी है, उसके लिए हमेशा आवाज उठानी कि गलत हो रहा, आस पड़ोस में गलत हो रहा, कोई आपके साथ गलत कर रहा, छेड़छाड़ी कर रहा,
आप उससे घबराइए नहीं, आपको नहीं बोलना है। आपको इसमें बैनर में लिखा है, क्या लिखा है, रण ओंकार का मतलब कि हमको अब हमको ये भारत में बताना है, ये समाज में बताना है कि अब बच्चियां बहुत आगे आ चुकी हैं, अब नारी शक्ति इतनी जागृत हो चुकी है कि वो अब किसी भी समस्याओं का समाधान खुद निकाल सकती है, आत्मनिर्भर बन रही है और वो जो भी घटनाक्रम हो रहा है, गलत अपराध हो रहा है, उनके अगेंस्ट में आवाज उठाएगी और बोलेगी रण ओंकार के माध्यम से कि हम उस चीज का अपोज करते हैं, उस समाज की कुरीतियों से हम अब सामना करेंगे और नए राष्ट्र का, नए समाज का निर्माण करेंगे। बेटा आपको इस कार्यक्रम में आके कैसा लगा? अब बहुत अच्छा लग रहा। क्या सीखा आपने? यही कि लड़कियों को मतलब कैसे रहना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, और जो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो मेघा मैम की वजह से हो रहा है, और हम लोग जय सेना से हमेशा जुड़े रहेंगे। आपका नाम? रश्मि पटेल। आज ये जय भवानी का कार्यक्रम है, उसमें आपको कैसा लगा और आपने क्या सीख पाई? मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा है, और यहाँ पर महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए सशक्त करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिखा लोधी है। जय भवानी सेवा सेना का जो आपने शुभारंभ किया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? आज जो हमने जय भवानी सेना का हरिवंदा फाउंडेशन के तहत प्रोजेक्ट रखा, इसका हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि जगह जगह हर बच्चियां सशक्त होए, अपने सम्मान, सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए इसमें जो पहल होगी, और हमने आज जो शुरू किया हुआ है, जिस तरह से बच्चों को कराटे के प्रशिक्षण दिया है, 3 दिवसीय शिविर कार्यक्रम रहेगा, ऐसे हर जगह पर, हर बस्तियों में, हर गांवों में, और हम हर जगह शहर शहर हम कोशिश करेंगे कि इससे बच्चियां जुड़े जय भवानी सेना से और अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाएं। ये आगे आपके आने वाले समय में कहाँ कहाँ जाएंगे आप इसको लेकर? इसके लिए तो हम सबसे पहले जबलपुर के जो गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं हम उनको कवर करेंगे, और हमारा दूसरा टारगेट हमारे जो जिला है हमारा दमोह रहेगा। दमोह के बाद जो कोशिश करेंगे कि हम सागर तक जाए, क्योंकि आज जो प्रशिक्षण में बच्चियां थी बैतूल की, सागर की, दमोह की, नोहटा जो जगह है, जवेरा विधानसभा से भी थी मैं यहाँ पे जो बच्चियाँ थी, और लगभग यहाँ पर आज बच्चियों ने कम से कम 300-350 बच्चियों ने प्रशिक्षण लिया, और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में ये प्रशिक्षण निरंतर लेंगी, चलता रहेगा ये? जी हाँ, निरंतर चलता रहेगा, और सभी लोगों से और प्रदेशवासियों से मेरे आसपास के क्षेत्रों तक मेरा निवेदन है कि जितने भी महिलाएं हैं और बच्चियां हैं वो इस जय भवानी सेना से जुड़े, तभी इस ये कार्यक्रम का और इस सेना का एक मुहिम तक पहुंचेगी और एक सफल प्रयास रहेगा हमारे लिए बच्चों को और महिलाओं को सशक्त करने के लिए। आज के आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी सुरेखा परमार मैडम थी, DSP मैडम, मगर वो किसी निजी कारणों से, उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाई। वो इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने बहुत सराहनीय हमें योगदान के लिए और बधाई दी है, और मैं चाहूंगी कि वो जब भी हमारा इस कार्यक्रम, जब नेक्स्ट कार्यक्रम रहे तो वो उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुश्री मेघा सिंह पवार, पूर्व बाल कल्याण समिति हरिविंदा फाउंडेशन अध्यक्ष और बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, जय भवानी सेना का संचालन। हाँ जी मैम, ये जय भवानी के कार्यक्रम में आप आए हैं आज, आपको कैसा लगा? ये बेसिकली जो हमारे CM सर का अभियान है सम्मान, नारी का सम्मान, असली हीरो, तो उससे जुड़ा हुआ ये एक बहुत अच्छा प्रयास, ये जो पहल की है सुश्री मेघा पवार जी ने, ये पहल बहुत ही शानदार है, और इससे बच्चियों में यहाँ कम से कम 200-250 बच्चियाँ हैं जो ये आत्मरक्षा के गुण सीखेंगी जय भवानी सेना के माध्यम से, और जब यह सेना निर्मित होगी हमारी तो हमें लगता है कि संभावित रूप से ये बच्चियां स्वयं आत्मरक्षा के लिए तैयार होंगी, तो किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये स्वयं की और एवं अन्य दूसरी महिलाओं की, बच्चियों की और समाज में सभी की रक्षा कर पाएंगी, इसे यही चीज सीखने भी मिली है, और मैं इसके लिए मेघा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित कराया, और उसके लिए सभी बच्चियों को भी आगे ईमानदारी से और सच्चे मन से ये आत्मरक्षा के गुण सीखने के लिए प्रेरित करूंगी,
कि वो इसे सीखें, बोझ बिल्कुल नहीं समझे, क्योंकि आने वाले भविष्य में यह उनके लिए कारगर साबित होगा। एक युद्ध की यह नीति है, आत्मरक्षा का गुण है। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। निरूपा पांडे, धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229।